मैं बेसिकली तो ज्वेलरी हूँ सिंस लॉन्ग टाइम। हमारा अपना पुश्तैनी काम, जैसे आप बोल सकते हैं, खानदानी काम ज्वेलरी का ही है। अच्छा, बट मैं लास्ट आई एम बेसिकली फ्रॉम मुरादाबाद। ओके तो मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल पहले मैं यहाँ नोएडा शिफ्ट हुआ था ज्वेलरी का ही काम लेके। बट धीरे 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 देखा कि यहाँ पे मार्केट प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है, अच्छा पैसा है, नेचुरल सी बात है। तो मैं थोड़ा सा मूव करा उसकी तरफ और मैं रियल इस्टेट से जाके जुड़ा। एक्चुअली क्या था कि मैं कुछ थोड़ा सा एक तो नया करना चाह रहा था। अपना बिजनेस तो था ही, बट आदमी को ये होता है कि थोड़ा सा चाहता है कि और थोड़ी तरक्की करे और थोड़ा पैसा कमाए। और रियल इस्टेट नेचुरल सी बात थी कि इसमें अच्छा पैसा था, अच्छा वर्क था और एक एक्सपोजर था। लोगों से मिलना अच्छा लगता था मेरे को, उनसे मीटिंग होती थी तो एक नॉलेज बढ़ती थी और बहुत अच्छा लगता था। शॉप में ये है कि आप वेट कर रहे हो कस्टमर का आएगा, यहाँ आप कस्टमर को खुद फॉलो कर रहे हो आप और खुद उस तक पहुँच रहे हो। हाँ जी, तो वो चीज़ एक डिफरेंट थी मेरे लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे जब मनी फैक्टर आया, अच्छा पैसा कमाया, तो मैं उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो मेन चीज़ है, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, उसके बाद आगे की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ रोड्स बहुत अच्छी हैं, आपका मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छा करते हैं यहाँ की अथॉरिटी वगैरह। उसके बाद यहाँ पे जो भी फ्लैट्स वगैरह हैं लेने में बड़ा इजी रहता है। 2009 से लेकर अब तक में चेंजेस तो बहुत आ गए हैं मार्केट के अंदर। अगर आप बात करोगे कि 2009 में जो मार्केट था, 10, 11, 12, इवन 13 तक भी मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा मार्केट रहा। आफ्टर 13 जो है, अगर अब हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे, तो अब थोड़ा टिपिकल मार्केट हो गया है। बट स्टिल अभी भी लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स और अपने प्रॉपर्टीज लेना बहुत अच्छा इंटरेस्ट करते हैं। बाहर के लोग भी बहुत आगे यहाँ पे इन्वेस्ट अभी भी करना चाहते हैं। थोड़ा मार्केट डाउन है, बट स्टिल अभी भी लोगों की चॉइस नोएडा, ग्रेटर नोएडा रहती है। कभी किसी टाइम में एक ब्रोकर जो होते थे, उनकी कोई बहुत इमेज इस लेवल पे कभी नहीं होती थी। लोगों को अगर हम हिंदी वर्ड यूज़ करें तो कहते थे दलाल है। बिल्कुल सही। और मतलब उसको एक रेस्पेक्ट लेवल नहीं था। बट एक दौर आया जिसमें बड़े ब्रोकर्स का ही हाथ है कि हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि ये ब्रोकर्स नहीं है, एक कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, जो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी जाते हैं। बट उन्हीं लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म करते चले गए। वो सिर्फ पैसे की तरफ दौड़े कि क्लाइंट का पैसा लगवाना है, हमें इससे मतलब नहीं इसको प्रॉपर्टी मिले या नहीं मिले। आज वो बेचारे बहुत परेशान हैं, अच्छा भी नहीं लगता कई बार। बट टचवुड, मैं अपने लिए नहीं कह रहा ऐसा कुछ, लेकिन हाँ बहुत सारे ब्रोकर हैं, मैं भी हूँ, जिन्होंने हमेशा पैसे की तरफ नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसे एक अच्छी प्रॉपर्टी देने की कोशिश करी है। कभी भी अब अनफॉर्चुनेटली कोई बिल्डर की कमिटमेंट की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने बहुत स्टडी करके, अच्छे बिल्डर के साथ काम करके अच्छी प्रॉपर्टी दी है। अपने नाला सोच के पहले हमने उसके लिए सोचा, क्योंकि रीज़न क्या है, उसके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपये उसके लग रहे हैं क्लाइंट के, हमारे कमीशन कितना आना है, 1%, 2%, 3% जो भी आना है, उस कमीशन के लिए हम उस बंदे की प्रॉपर्टी में 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट को ख़राब करा दें, तो वो चीज़ थोड़ा सा हटना चाहिए मार्केट से। अगर ब्रोकर और बिल्डर थोड़ा कमिटमेंट पर चलें क्लाइंट के साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मार्केट, फिर से अच्छा हो जाएगा, बूम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में पैसा नहीं है लोगों पर, पैसा सब पे है, खूब है। देखिए, ऑनलाइन प्रमोशन से बेनिफिट तो है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बेनिफिट नहीं है। पहले हम लोगों को इन्वेंट्री के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, 10 जगह कॉल करनी पड़ती थी कि भाई तेरे पास इन्वेंट्री है, आपके पास इन्वेंट्री है, उसके पास इन्वेंट्री है, चार लोगों से पता करना पड़ता था, एक ही इन्वेंट्री पता लगा, चार ही लोग एक ही इन्वेंट्री बता रहे हैं। अब इजी ये होता है, अप्रोचेबल हो जाता है कि अगर जिस पे डायरेक्ट वो इन्वेंट्री है, अगर उसने आपके एप्लीकेशंस पे या ऑनलाइन पे जैसे भी उसने एक पोस्ट कर रखा है अगर, तो ईजी हो जाता है फाइंड करना, हम लोग डायरेक्ट उस बंदे तक पहुँच सकते हैं। इवन जो एक्चुअल ऑनर है, कई लोग उस पर भी वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, खाली प्रॉपर्टी ब्रोकर्स तो जो हैं वो कर ही रहे हैं, बट एक्चुअल जो ऑनर्स हैं प्रॉपर्टी के, वो अपनी पोस्ट कर देते हैं। उससे बहुत इजी उनके लिए भी है कि हो सकता है उनको उनके लिए इजी ये होता है कि एक अच्छे ब्रोकर से उनको मिलना हो जाता है, या ब्रोकर्स के लिए फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑनर जो है उससे बात करके, उसमें चार लोगों की चेन नहीं हो रही है, कुछ होता है तो बेनिफिशियल तो है। पहले से बहुत इजी हो गई चीज़ें, पहले बहुत टफ था, पहले बिल्डर से पता करो, यहाँ से पता करो, किसी और से पता करो। अब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अब कितना वर्कआउट करती हैं आगे चल के फ्यूचर में, वो धीरे धीरे मुझे लगता है स्टेप बाई स्टेप होगा, क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन जितनी भी आई है लास्ट 6 मंथ से ही ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। वेरी फ्रेंकली, अभी तक मैं जितनी भी एप्लीकेशंस पे हूँ, उसमें से मेरे को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, कि मैं उन एप्लीकेशंस को लोड, मेरे पे हैं काफ़ी सारी कंपनीज की लोड हैं, अब आपकी होप्स हो, देखते हैं होगा तो
तो बिल्कुल सर, बट अभी ऐसा मुझे बस ये पता लग जाता है कि हाँ इन्वेंट्रीज हैं, आप चेक कर सकते हो, बट अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे एप्लीकेशन मिला नहीं, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि ईजी बहुत हो जाएगा आगे चल के। अगर एक बार ये रूटीन में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को डायरेक्ट भी इन्वेंट्री मिल सकती है और लोगों को फेथ भी हो सकता है कि ये चीज़ ठीक होगी, गलत नहीं होगी इसके ऊपर। शुदा एक्चुअली क्या है, मार्केट डाउनलोड के पीछे काफ़ी सारे रीजंस आ चुके हैं। हाँ जी, नंबर वन रीज़न तो यही है कि बिल्डर अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है। बिल्डर ने बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स इन्वेस्टर्स को एंड यूजर्स को दिखाए जी, जिसमें इन्वेस्टर ने एंड यूजर ने अपना फेथ दिखा के बिल्डर पे और प्रॉपर्टीज बुक कराई। करेक्ट, उसके अंदर बिग इन्वॉल्वमेंट ब्रोकर्स का भी रहा कि जो कि बिल्डर के साथ इन्वॉल्व होके जिन्होंने इन्वेस्टर एंड यूजर को भी धोखा दिया है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली बिल्डर उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि वर्क करने तरीके का, जब एक बड़े लेवल के ब्रोकर्स कंपनी जब आपके बिल्डर्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं तो उनको सारा पता होता है कि बिल्डर किस लेवल पे जाने वाला है, किस लेवल पे नहीं जाने वाला है। मैं इंडिविजुअली किसी बिल्डर का या किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि लेकिन आज की तारीख में आप देखो ब्रोकर्स की बहुत बहुत बड़ी कंपनीज होगी, इनके बहुत ऊँचे ऊँचे लेवल पर नाम भी हैं, बट उनका मेन एम ये था कि कस्टमर को सिर्फ प्रॉपर्टी बेचनी है, उनसे रिलेशन बिल्डअप नहीं करना, उसका पैसा बर्बाद कराना है। मैं सारे बिल्डर को ये नहीं कहूँगा कि वो धोखेबाज थे, बहुत अच्छे बिल्डर्स थे, सारे अच्छे बिल्डर्स हैं, मैं ये नहीं, लेकिन मिसकम्युनिकेशन उसमें रहा, उन्होंने मिसकमिटमेंट किए लोगों के साथ, जो कि ब्रोकर्स को पता होता था कि ये चीज़ नहीं होनी है, बट उन्होंने एक के बाद एक स्टेप जोड़ के उसके अंदर ब्रोकर्स ने और बिल्डर्स ने मिल के कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को धोखा दिया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी जो ग्रोथ रुकी हुई है वो बहुत से लोगों की मिक्स व्यूज़ हैं। लोग कहते हैं कि बिल्डर ने बहुत फ्लैट्स बना दिए हैं, इस वजह से ग्रोथ रुक गई है, लोग इन्वेंट्री ज़्यादा हैं, लोग लेने वाले कम हैं, बट ऐसा नहीं है। अगले 5 सालों में भी अगर बिल्डर बहुत अच्छे लेवल पे इन्वेंट्री लाता है और उनकी डिलीवरी टाइम पे कर देता है तो मार्केट अप होगा, बहुत अच्छे तरीके से अप होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा शिकंजा जो बिल्डर्स पर कसा गया है वो ब्रोकर्स पर भी कसना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स भी बहुत ज़्यादा आज की तारीख में मतलब बिल्डर्स के साथ मिलके, नए नए बिल्डर के साथ मिलके और पब्लिक का, क्लाइंट्स का, बायर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके विश्वास को वो लोग यूज़ करते हैं, उनको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, तो ब्रोकर्स पे भी कुछ ना कुछ ऐसी पेनल्टीज लगनी चाहिए कि जिसने जिससे प्रॉपर्टी बेची है एक पेनल्टी उस पर भी लगनी चाहिए कि भैया आपसे ली, क्योंकि वो क्या करता है कि आपने प्रॉपर्टी उस, वो तो सीधे ये बात कह के हट जाता है कि मैंने तो भैया बिल्डर से दिलाई है आपको प्रॉपर्टी, आप बिल्डर से करो। बट अच्छा ब्रोकर वही है कि जो बिल्डर के साथ अगर काम करे तो वो बिल्डर की पूरी क्रेडिबिलिटी चेक कर ले कि ये बिल्डर इस लायक है, ये बिल्डर देगा नहीं देगा प्रॉपर्टी, कैसे काम करेगा उससे। अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, आप देखो आज की तारीख में अखबार जो है, अपने न्यूज़पेपर जितने भी हैं, सारे अच्छे अच्छे ब्रोकर्स के ऐड से भरे होते हैं। इंडिविजुअली बिल्डर का फ्लैट, बिल्डर के ऐड नहीं होंगे, ब्रोकर्स के बहुत सारे ऐड होते हैं जिसके अंदर बिल्डर्स होते हैं मल्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, यानी कि ब्रोकर उसको बेच रहा है, बिल्डर उसमें इन्वॉल्व, बिल्डर के साथ ब्रोकर भी इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी कंपनीज जितने भी हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक स्टेप ब्रोकर्स के लिए भी उठाना चाहिए कि भाई आप इस बिल्डर की प्रॉपर्टी बेच रहे थे, अगर ब्रोकर के ऊपर बायर सीधे केस करे और फिर बिल्डर पे करे, जो होता है इंडिविजुअली धोखा दोनों ने दिया है, दोनों को पार्टी बना के करे, तो थोड़ा शायद हो सकता है कि आगे चल के ब्रोकर्स भी सुधर जाएं कि भैया गलत चीज़ नहीं करेंगे, नहीं तो कल को हम भी फंस सकते हैं। देखिए आज की तारीख की बात नहीं, कमर्शियल हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहा है, कमर्शियल का एक अपना ही लेवल है, क्योंकि कमर्शियल आदमी जो भी इन्वेस्ट करता है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है जी, चाहे वो आप कितने भी पीछे से उठा लीजिए। लेकिन पहले लोगों को रेजिडेंशियल में ये बेनिफिट था कि रेजिडेंशियल में ग्रोथ हो रही थी, दूसरा रेजिडेंशियल के अंदर ईजिली बैंक से लोन प्रोवाइड हो जाता है, तो इसलिए लोग रेजिडेंशियल की तरफ ज़्यादा मूव कर पाते। कमर्शियल में क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल अपनी ही सेल्फ फंडिंग करनी पड़ती है, उसमें लोन के प्रोसेस बहुत टिपिकल है, तो इसलिए क्लाइंट जो है, बायर्स जो है, रेजिडेंशियल ही खरीद पाते हैं, कमर्शियल हर कोई नहीं ले पाता। जिसपे अच्छा। अपना सेल्फ फंडिंग है वो तो खरीदना इंटरेस्टेड रहता है, आज अगर इजी प्रोसेस हो जाए कमर्शियल के अंदर लोन फैसिलिटीज़ के, फाइनेंस होने लग जाए बैंक से, तो मैं समझता हूँ रेजिडेंशियल आज फिर बहुत कम हो जाएगा बिकना और कमर्शियल बहुत ज़्यादा बिकेगा आज की तारीख में अगर देखे जाए तो, क्योंकि कमर्शियल की बिल्डिंग एज ए इन्वेस्टमेंट और एज ए एंड यूजर दोनों पर्पज़ से बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कमर्शियल कहीं भी ले लें आज की तारीख रेंट बहुत अच्छा मिलता है, बिल्डर्स के फ्लैट्स के नीचे जितने कमर्शियल निकल रहे हैं उसके अंदर आप देखो रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, आज आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कमर्शियल में। बट एक बस माइनस पॉइंट यही रहता है कि आपको सेल्फ फंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लोन ईजिली नहीं हो पाते,
और दूसरा आजकल जो कमर्शियल में निकल रहे हैं, मैं लोगों को ये थोड़ी सी राय देना चाहूँगा कि जितने बिल्डर्स 12% 18% का लुक्रेटिव ऑफर देते हैं उनसे थोड़ा बचें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज हो पाती हैं। और उससे अच्छा है कि उन्हीं बिल्डर्स से आप सीधे सीधे ऑन फॉर्म डिस्काउंट लें कि भाई हमें 12% नहीं चाहिए, 18% नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैंने मैक्सिमम बिल्डर्स को ये देख लिया अच्छे अच्छे बड़े बिल्डर्स का कि कहीं ना कहीं उनके चेक स्टॉप हो जाते हैं या फिर फाइट हो रही होती है।